हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉलम के ड्राइंग के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कॉलम का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ ड्राइंग के बेसिक जो आपकी ड्राइंग के लिए हेल्पफुल है। तो आज हम ड्राइंग बनाते हैं उसका, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द एल सेक्शन एंड सेक्शनल प्लान ऑफ ए कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इसमें हमको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या सेक्शनल एलिवेशन भी कह सकते तुम, ठीक है, और सेक्शनल प्लान बनाना है हमको किसका, कॉलम का, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो डाटा हमारा क्या क्या है, साइज ऑफ कॉलम कितना है हमको, 500 × 500 mm। उसके बाद हमारा हाइट ऑफ कॉलम है, हाइट ऑफ कॉलम को कितना क्वेश्चन में गिवन है, 4 मीटर। उसके बाद हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है, मेन रिइंफोर्समेंट कितना है, 6 नंबर 20 mm डाया, मतलब 6 नंबर हैं और उनका डाया कितना है बार का, 20 mm। उसके बाद हमारा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो है हमारा वो 8 mm डाया का है और उनका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो हमारा कितना है, 200 mm। उसके बाद हमारा है साइज ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग हमारा कितना है, 2.4 मीटर × 2.4 मीटर, मतलब विड्थ लंबाई और चौड़ाई है उसकी है। उसके बाद हमारा एट द एंड ऑफ फुटिंग हाइट, एंड्स पर जो फुटिंग की हाइट है हमारी वो है 150 mm। उसके बाद टेपर्ड किया गया है कहाँ तक, 400 mm तक, और फुटिंग की जो डेप्थ है ग्राउंड लेवल से वो हमारा कितना है, 1 मीटर। बोथ साइड रिइंफोर्समेंट, जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है वो दोनों साइड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो रिइंफोर्समेंट कितने का है, 16 mm डाया का है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका कितना है, 200 mm। ओके, उसके बाद जो हम कॉलम में कवर लेंगे वो हमारा कवर कितना है, 40 mm, और फुटिंग में जो हमारा बेस का कवर होगा वो 50 mm है और एंड्स पे जो कवर है वो भी हमारा 50 mm ही लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, अब इसकी ड्राइंग बनाना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्यूम कर लेंगे, स्केल, ठीक है। स्केल हम कितना लेते हैं, 1:25, मीन्स 1 cm = 25 cm, ठीक है, हम ये स्केल एज्यूम कर लेते हैं। तो इस सबसे पहले हम बनाएंगे अपना साइज ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो फुटिंग हमको कितना गिवन है, 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर को स्केल पे अगर हम ले के आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2.4 × 100, तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, 240 cm। अब इसको स्केल पे अगर हम ले आएंगे तो इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा 9.6 सेंटीमीटर का लाइन बन गया, ठीक है। ये 9.6 सेंटीमीटर का लाइन बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवेन है कि एंड्स पे हमको कितना है हाइट उसका, 150 mm, ठीक है। एंड्स पे हाइट कितना है, 150 mm। तो 150 mm मतलब अगर इसको स्केल पे ले आया जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दे स्केल पे लाने के लिए, 0.6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 0.6 पर हाइट बना लेंगे, ठीक है, इधर से भी और इस साइड से भी, तो ये हमारा हो गया 0.6 सेंटीमीटर की हाइट।
हमारा 0.6 सेंटीमीटर का बन गया। अब इसके बाद टेपर्ड देखें हम, टेपर्ड हमारा कहाँ तक है, 400 mm तक, मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्केल पे अगर इसको लिया जाए तो हमारा कितना का 1.6। तो अब 1.6 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो 9.6 हमारा था, अब इसका सेंटर हमारा कहाँ पर आएगा, 4.8 पर। तो हम 4.8 पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इस 4.8 से 1.6 हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो हम 1.6 यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ से हमको टेपर्ड बनाया, तो टेपर्ड के लिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कॉलम अपना देखते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉलम का साइज कितना गिवन है, 500 mm × 500 mm। ठीक है, मतलब 50 सेंटीमीटर। स्केल पे अगर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, सॉरी स्केल पे अगर इसे लेंगे तो कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अब इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर हम मार्क लगा लेंगे, मतलब तो यहाँ से हमारा कॉलम बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको टेपर्ड मिला देंगे। ठीक है, इसी तरह इधर भी मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया फाउंडेशन का, सॉरी फुटिंग बन जाएगा ये। उसके बाद हम अपना कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम के लिए आप देखते हैं कि कॉलम की साइज कितना गिवन है, मतलब हाइट। तो कॉलम की हाइट आपको गिवन है 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर। स्केल पे अगर इसको ले आए तो हमारा आएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ हाइट बना के इसे कंटिन्यूअस शो कर देंगे। ठीक है, हम कुछ हाइट बना के इसे कंटिन्यूअस शो कर देंगे और ये 16 सेंटीमीटर की हाइट हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस साइड को उसके ऊपर बना लेंगे। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ पर एक लाइट ड्रॉ कर देंगे, इसको यहाँ से कंटिन्यू शो कर देंगे, उसको यहाँ से कंटिन्यू। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रीइन्फोर्समेंट देखते हैं। ठीक है, तो कॉलम की मेन रीइन्फोर्समेंट जो हमको गिवन है वो कितना गिवन है, 6 नंबर 20 mm डाया का। ठीक है, तो हम 20 mm डाया का रिइंफोर्समेंट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बट इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको कवर चाहिए। तो कवर हमको कॉलम में कितना गिवन है, 40 mm। 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। स्केल पर अगर ले आएंगे तो हमारा 0.16 सेंटीमीटर, मतलब 1.6 mm। ठीक है, तो हम यहाँ से 1.6 mm का कवर यहाँ से मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इस साइड भी बना लेंगे अपना। ठीक है, तो ये हमारा रिइंफोर्समेंट बन गया मेन वाला। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फुटिंग का रिइंफोर्समेंट देखेंगे। तो फुटिंग का रिइंफोर्समेंट जो हमको गिवन है वो है हमारा 16 mm डाया 200 mm सेंटर सेंटर, मतलब बोथ में, बोथ फेस रिइंफोर्समेंट, मतलब वो इस तरह भी है और इसके परपेंडिकुलर में भी है। ठीक है, तो दोनों साइड प्रोवाइडेड। तो इसके लिए हमको कवर कितना गिवन है, 50 mm। ठीक है, तो 50 mm 5 सेंटीमीटर, स्केल पे लेंगे तो हमारा 0.2
सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 2 mm। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 mm पर मार्क लगाकर और एंड्स में भी 2 mm का मार्क लगा लेंगे हम। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे दोनों साइड, ये 50 mm का कवर दोनों साइड छोड़कर। अब देखो इसमें बोला गया बोथ फेस रिइंफोर्समेंट, तो बोथ फेस रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, हमारा जो एक तरफ का तो हमको दिखेगा लाइन में, दूसरा वाला जो होगा वो हमको डॉट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो डॉटेड फॉर्म में दिखेगा। तो ये हमारी स्पेसिंग कितनी है इसमें, 200 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। स्केल पे अगर ले आएंगे तो हम इसको कितना आएगा, 0.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 0.8 से पूरा देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका सेंटर देख लेंगे, सिर्फ रिइंफोर्समेंट का सेंटर। तो रिइंफोर्समेंट का सेंटर देखते हैं तो हमारा टोटल आता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 9.2। ठीक है, तो 9.2 का सबसे पहले देखो क्या करा, इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर मान लो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसका सेंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसके सेंटर से हमको इस कितना कितना गिवन है, 0.8 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.88 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और इस साइड भी हम उसी तरह यहाँ सेंटर से लेकर मार्क लगा लेंगे, और उसके बाद हम अपना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सेंटर में सबसे पहले प्रोवाइड, क्योंकि अगर आउटर साइड में अगर हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आउटर साइड में, इसलिए हम सेंटर में सबसे पहले लेते हैं और आउटर की तरफ लेकर उसको जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिइंफोर्समेंट बन गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन वाला रिइंफोर्समेंट है उसको हम यहाँ से लाकर इसके नीचे यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें नीचे ले आ करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह इस साइड से भी हम ला करके इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसको हम इसके आगे तरफ बढ़ा के ऐसे बेंड कर देते हैं, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के लिए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो गिवन है वो हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे गिवन है, मतलब 200 mm, मतलब अगर स्केल पे अगर इसको ले आया जाए तो हमारा कितना जाएगा, 0.8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ टॉप से, ठीक है, यहाँ से ले लो या नीचे से। ठीक है, नीचे से हम 0.8 पर मार्क लगाकर ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट अपना बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये स्केल पे लेकर यहाँ से नीचे से मार्क कर लिया 0.88 पर। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, ऐसे हम स्केल से लेकर मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे अपना ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट बना लेंगे। ठीक है, इस तरह अपना ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा
कॉलम बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, डबल बार। डबल बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम इसके इस साइड में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, ये मेरा डबल बार हो जाएगा। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर कितना है, ये क्या है कवर, और कवर कितना है हमारा 40 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कौन सी रिइंफोर्समेंट है, ये मेन रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये हमारा कितना है 6 नंबर 20 mm डाया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हमारी कौन सी हैं, उसके बाद ये दोनों हमारी क्या हैं, ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट हमारा कितना है 8 mm डाया का। ठीक है, और इनके बीच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, डबल बार जो कि कितने का है 20 mm डाया का। ठीक है, उसके बाद ये हाइट हमारी कितनी है 150 mm। ठीक है, और ये हमारा कॉलम का हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कॉलम का हाइट है हमारा, ये कॉलम का हाइट हमारा कितना है, हमारा कितना है 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हमको एक और चीज गिवन था ना, इसका ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल हमारा कहाँ कितना है, यहाँ से 1 मीटर पर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को स्केल पे अगर लिया जाए तो हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमारा ग्राउंड लेवल जो होगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल इधर। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल की हाइट कहाँ से, यहाँ से कितने पर है, ये है हमारा 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कवर कितना है, कवर 50 mm। ठीक है, और ये हमारी रीइन्फोर्समेंट कितने की है 16 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, और ये वाली भी हमारी कितने की है 16 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन बन के तैयार हो गया। ये हमारा क्या है सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं
प्लान, ठीक है, तो हम बनाएंगे इसका प्लान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज ऑफ फुटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो फुटिंग का साइज कितना हमारा है, 2.4 मीटर। 2.4 मीटर मतलब अगर सेंटीमीटर पे ले आएंगे तो क्या जाएगा, 240 सेंटीमीटर। इसके स्केल पे ले आएंगे हम तो हमारा आएगा 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 9.6 सेंटीमीटर बना लेंगे, मतलब 9.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपना बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 9.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया। अब इसका सेंटर हमको देखना है, ठीक है। तो सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने डायगोनल बना लिया, तो हमको पता चल गया ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना कॉलम, ठीक है। तो कॉलम का साइज जो हमको गिवन है वो हमारा 500 mm x 500 mm, मतलब 50 सेंटीमीटर स्केल पे लाने पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से सेंटर लेके 1 सेंटीमीटर दोनों साइड हम बना लेंगे, ठीक है, इधर भी और इधर भी। उसी तरह 1 सेंटीमीटर हम इसको सेंटर को लेके आधा 1 सेंटीमीटर इधर और इधर। तो इस तरफ क्या करते हैं, फिर हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, इससे मिला देंगे। और अब इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा कॉलम बन गया। अब इसके बाद अंदर वाला हम जो बनाए थे उसको मिटा लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो ये हमारा बन गया कॉलम, साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें कवर कितना लेते हैं, कवर क्वेश्चन में गिवन कितना था कॉलम के लिए, 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर। स्केल पे लेंगे तो कितना होगा, 0.16 सेंटीमीटर, मतलब 1.6 mm। तो 1.6 mm का हम कवर यहाँ से लेकर के इसको बना लेंगे। तो ये कवर लेकर हमने स्टीरअप बना लिया, स्टीरअप सॉरी मतलब ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट उसका बना लिया कवर लेकर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मेन रीइन्फोर्समेंट अपना प्रोवाइड करेंगे। तो मेन रीइन्फोर्समेंट आपको कितना गिवन है, 6। तो एक हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे 1, दूसरा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। अब दो रीइन्फोर्समेंट आप यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक और एक दो। तो ये हमारा 6 रीइन्फोर्समेंट हो गया और ये इसका हुक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, या और इस वाले को हम ऐसे हुक दे करके, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा रीइन्फोर्समेंट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम इसके जो फुटिंग है उसका रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो फुटिंग के रीइन्फोर्समेंट में हम पहले कवर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कवर हमारा कितना है, 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर। स्केल पे लेंगे तो हमारा 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 2 mm, ठीक है। तो 2 mm का कवर हम यहाँ से छोड़कर इस पर बना लेंगे, ठीक है, चारों साइड से। तो इस तरह से ये हमारा कवर, मतलब जो उसकी रीइन्फोर्समेंट बन के तैयार हुई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इनमें रीइन्फोर्समेंट हमको कितने स्पेसिंग पर गिवन है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, ठीक है। तो 200 मतलब 20 सेंटीमीटर, स्केल पे अगर ले आएंगे तो ये 0.8 सेंटीमीटर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर पर प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना मार्क लगा लेंगे, ठीक है। मार्क के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसका रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक रीइन्फोर्समेंट, तो इस तरह से ये हम इसका रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन में क्या किया है ना, बोथ वे मतलब दोनों साइड। अभी तो हम एक साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद इसके हम दूसरी साइड भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक साइड का रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इस साइड की ऐसे रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी कौन सी स्पेसिंग हमको गिवन है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ही गिवन है। तो हम क्या करते हैं, स्केल पे ले आएंगे अगर, तो ये हमारी कितनी स्पेसिंग आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 0.88 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने इधर मार्क लगा लिया। अब क्या करते हैं हम इसके बाद, इसको यहाँ से रीइन्फोर्समेंट इसकी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम बोथ साइड इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो अब देखेंगे कि ये इसमें स्क्वायर शेप आएगा, क्योंकि ये कौन सी फिटिंग है, सॉरी फुटिंग है हमारी, स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे में प्रोवाइड कर लेंगे। तो ये हमने रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर ले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग से पहले क्या है, देखो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये जो टेपर्ड वाला पार्ट होगा वो भी हमको दिखेगा, तो उसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। इस तरह हम चारों साइड से डॉटेड लाइन से उसको शो कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। इसकी नेमिंग में ये हमारा क्या है, मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन रिइंफोर्समेंट कितना है, 6 नंबर 20 mm डाया का, ठीक है।
उसके बाद ये हमारा कितना है, ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट हमारा कितने का, 8 mm डाया, ठीक है। और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और इनकी ये, उसके बाद ये हमारा कवर कितना है, 50 mm, ठीक। और ये हमारा साइज कितना है, तो ये हमारा साइज कितना है, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बोथ फेस रीइन्फोर्समेंट है, ये क्या हमारा बोथ फेस रीइन्फोर्समेंट, और ये हमारा कितने का है, बोथ साइड रीइन्फोर्समेंट, ये हमारा कितने का है, 16 mm, 16 mm डाया, ठीक है। और इनके बीच की स्पेसिंग हमारा कितना है, ये हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, सेक्शनल प्लान, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कॉलम का सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसके दूसरे पार्ट के साथ, मतलब ये तो भी स्क्वायर कॉलम हो गया, इसके रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉलम के साथ, ओके।